वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड. सो दिस इज़ योर सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड वी विल प्रोसीड इन न्यू चैप्टर दैट्स नेम इज एनिमल मूवमेंट्स. ठीक है, नंबर सिक्स चैप्टर, दिस इज़ योर बुक चैप्टर सिक्स दैट्स नेम एनिमल मूवमेंट्स. ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जिनके साथ में उनके चलने को या उनके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, किस तरीके से वॉक करते हैं, किस तरीके से वो मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं. ठीक है, मूवमेंट का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाना और जाना. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैच कराना है एनिमल को. आप अपने बुक में करेंगे ये चीज़, पेज नंबर 10 है. ठीक है, नंबर 1 देखिए क्या है, अ हॉर्स. ठीक है, हॉर्स के चलने को हम क्या बोलते हैं. यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, ये जितने दिए हुए हैं ये है एनिमल्स के, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है. तो ए है, ठीक है, गैलप्स, जो घोड़ा होता है जो दौड़ता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं चौकड़ी लगाना, चौकड़ी करना, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं गैलोप्स. ठीक है, नंबर 1 का ए का हो जाएगा, ए गैलोप्स होगा. ठीक है, बी है स्पैरो. ठीक है, स्पैरो बर्ड है, तो बर्ड क्या करती है बच्चों, उड़ती है ना, फ्लाइज. ठीक है, बी होगा इसका. थर्ड देखिए मंकी, मंकी का हो जाएगा डी, आपका डी है स्विंग. मंकी क्या करता है, पेड़ की डाल पे क्या करता है, झूल जाता है ना, तो सी 3 का होगा डी. 4 का देखिए, 4 का होगा, 4 पे क्या है आपका, डक है, इसका होगा ई. डक क्या करती है, अपने पंजे से क्या करती है, वो तैरती है पानी में, इसको वैडल्स बोलते हैं. ठीक है, वैडल करना बोलते हैं, पानी में चपचपी लगा के तैरना को वैडल करना बोलते हैं. ठीक है, 5 देखिए, 5 में आपका है एलिफेंट है, तो एलिफेंट के किस तरीके से चलता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉक. ठीक है, वॉक्स, वॉक करना बोलते हैं हाथी के चलने को. ठीक है, नंबर 6 है आपका डॉल्फिन, तो डॉल्फिन किस तरीके से चलती है, किस तरीके से मूवमेंट करती है, तो इसका हो जाएगा स्विम, तो तैर के जाती है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, उसके बाद है नंबर 7 देखिए, कैंगरू, तो कैंगरू के चलने को हम क्या बोलते हैं, हॉप. ठीक है, क्योंकि कैंगरू क्या करता है, जंप करता है. ठीक है, तो एफ 7 का हो जाएगा एफ हॉप्स. ठीक है, कूद कूद के जाता है एक जगह से दूसरी जगह. 8 क्या है, सी. ठीक है, 8 है कैटरपिलर है आपका, इसका हो जाएगा आंसर सी, क्रॉल्स करना. ठीक है, क्रॉल करता है कैटरपिलर. ठीक है, ये सब आप अपने सामने उसमें सर्कल में आप लिख सकते हैं ऑप्शन जो दिए हुए हैं. ठीक है, फैक्टर देखिए क्या लिखा है बच्चों, हिप्पोपोटेमस जो होता है क्लमजी सा होता है. ठीक है, बहुत स्लो चलता है जब वो लैंड पे होता है. ठीक है, लेकिन जब वो पानी में होता है तो वो दौड़ सकता है, तो पानी में काफ़ी स्पीड से चलता है वो. ठीक है, पर जब ज़मीन पे होता है तो उसकी रफ्तार धीमी होती है. ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 6. ये आप अपने बुक में कंप्लीट करें काम और इसको लर्न करें. सो थैंक यू सो मच.